नमस्कार किशन भाई, आपका ही फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। किशन भाई, इस वीडियो में बात करने वाले सिंजेंटा का रिबोस फंगसेट का बारे में, इसमें कंटेंट क्या रहता है, इसके अलावा कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारे में फलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका डोसेस कितना फसलों में उपयोग करना है, इसका रिजल्ट कब मिलते हैं, पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे कब करना है, उसके बाद दूसरा कोई भी फंगसेट कीटनाशक एक साथ मिक्स करके उपयोग कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किशन भाइयों, जो सिंजेंटा कंपनी का रिबोस फंगसाइड है, जो एक कॉन्टैक्ट फंगसाइड है, जिससे मतलब उसका स्पर्शियो फफूंद नाशक है, बेहतरीन काम करते हैं सब्जियों का बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। इसमें कंटेंट क्या रहता है, मोड ऑफ एक्शन, जैसे मेंडी प्रोफामिड 23.4% SC फॉर्म में रहता है, SC का मतलब सस्पेंशन कंसेंट्रेट फॉर्म में रहता है, जो बेहतरीन काम करते हैं बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। आई बात करेंगे रिबोस जो फंगिसाइड है सिंजेंटा का, कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारी में, फलों का खेती बारी में उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आलू का फसलों में, टमाटर का फसलों में, मिर्च का फसलों में, प्याज का फसलों में, लहसुन का फसलों में, गेहूं गन्ना का फसलों में, धान का फसलों में आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फलों में भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे अंगूर का फसलों में, इसके अलावा जैसे सेब का फसलों में, अमरूद का फसलों में, इसके अलावा जैसे तरबूज का फसलों में आप आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, बेहतरीन काम करते बीमारी का नियंत्रित करने के लिए। रिबोस जो फंगिसाइड है, जो एक सिंजेंटा कंपनी का फंगिसाइड है, इसका उपयोग करने के बाद कौन कौन सा बीमारी को आप नियंत्रित कर सकते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। जैसे डाउनी मिल्ड्यू बीमारी को आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे लेड ब्लाइट जो बीमारी आते हैं सब्जियों का खेती बारी में, इसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेड ब्लाइट का मतलब होता है जैसे आलू और टमाटर का खेती बारे में ज़्यादातर दिखाई देता है लेड ब्लाइट का बीमारी, इसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। और पत्तियों में जो पीलापन का बीमारी आता है डाउनी मिल्ड्यू बीमारी की वजह से, उसके लिए भी आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं रिबोस जो फंगिसाइड की इसका उपयोग करने के बाद। क्वेश्चन भाई, आज बात करेंगे सिंजेंटा का जो रिबोस जो फंगिसाइड है फसलों में कब उपयोग करना है। जैसे क्वेश्चन भाई, टमाटर आलू का खेती बारे में क्या समस्या आता है, जैसे टमाटर का फसलों में फूल आने के बाद और आलू का फसलों में, जैसे आलू का कोई भी ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग जैसे 20 से 30 दिन के अंदर जो पौधों हो जाता है, इसमें क्या आता है लेट ब्लाइट का बीमारी आ जाता है आलू का फसलों में, और टमाटर का फसलों में लगभग जैसे फूल आने के बाद प्रीमेच्योर फॉल आने के बाद टमाटर का जैसे लेट ब्लाइट का बीमारी आती है, इसी टाइम क्या करना, जैसे लेट ब्लाइट का कोई भी बीमारी आता है आपका कोई भी सब्जियों का खेती बारे में, इसके लिए आप क्या करने, जो सिंजेंटा का रिबोस जो फंगिसाइड है उसका उपयोग करने, जो बेहतरीन काम करते उसका खेती बारे में उपयोग करने का, उसमें जो कंटेंट रहता है मेंडी प्रोपोमाइड जो 23.4%, जो दूसरा कोई भी कंपोजिशन वाला दवाई ऐसे नहीं मिलता, इसलिए क्या करना, बेहतरीन काम करता है सिंजेंटा का जो रिबोस फंगिसाइड होता है। आई बात करें उसका डोसेस कितना फसलों में फलों में उपयोग करना है, इसके बारे में आप बात करें, जैसे इसका डोसेज लगभग 5 लीटर पानियों में लगभग 0.5 ml आप उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने क्योंकि इसका जो पावरफुल टॉनिक होता है, इसलिए आप क्या करना 0.5 ml 5 लीटर पानियों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका पर हेक्टर के लगभग 500 से 1000 लीटर पानियों में लगभग 40 ml से 50 ml आप उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। पहला स्प्रे करने के बाद सब्जियों का खेती बारी में, दूसरा स्प्रे लगभग 15 डेज के बाद आपका सब्जियों का खेती बारी में लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी आती है नियंत्रित करने के लिए, दूसरा स्प्रे लगभग कितना दिन के बाद करना है, 15 डेज के बाद आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं, तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे 25 डेज के बाद, इससे ज़्यादा 30 डेज के बाद आप क्या कर सकते हैं, तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं सब्जियों का खेती बारी में, कोई भी समस्या नहीं होगा, लेकिन तीसरा स्प्रे से ज़्यादा नहीं करना है रिबोस जो फंगिसाइड है उसका स्प्रे, मिनिमम तीसरा स्प्रे भी कर सकते। क्वेश्चन भाई, सिंजेंटा का जो रिबोस फंगिसाइड है उसका स्प्रे करने के बाद फंगिसाइड का रिजल्ट कब मिलता है, अभी इसके बारे में बात करें। जैसे लेट ब्लड डाउनी मिल्ड्यू बीमारी का नियंत्रित करने के लिए आप जैसे पहला स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट लगभग 10 से 12 डेज के अंदर आपको क्या होगा, रिजल्ट भी पता चल जाएगा, और इसका रिजल्ट मिलने के बाद आप क्या कर सकते, दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तीसरा स्प्रे भी आपको सब्जियों का खेती बारे में, फलों का खेती बारे में, डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। आई बात करें उसका कीमत के बारे में, इसका प्राइस कितना है, इसके बारे में बात करें, जैसे लगभग 40 ml जो दवाई होता है फंगिसाइड होता है रिबोस का जो फंगिसाइड होता है उसका प्राइस लगभग 300 rupees में मार्केट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करते हैं रिबोस फंगिसाइड के बारे में, जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है इसके बारे में, इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए रिबोस फंगिसाइड के बारे में तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो, और आप चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।